तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो माइनर और कोफैक्टर के लिए है। तो देखिए, उससे पहले हमारे एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर, जो 3 पॉइंट हमारी जो 4 एक्सरसाइज है मैट्रिक्स का जो चैप्टर है उसका थर्ड का थर्ड जो प्रॉब्लम है वो आप करवाइए। तो देखिए, इसमें क्या हमारे पास ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स हैं, हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है दिस एंड दिस कि ये वैल्यू आपकी इसके इक्वल है। तो सबसे पहले देखिए हमारा क्या है, इसमें के बी का ट्रांसपोज इक्वल टू के बी का ट्रांस। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड के बी की जो हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है, जो बी मैट्रिक्स है उसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2, के जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, के से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद क्या है, इसमें ऊपर ट्रांसपोज है इसका। अब हम क्या करेंगे, इसका होल ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज क्या होता है आपका कि हमारी जो रो है कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे कि जो फर्स्ट रो है वो हमारी क्या बन जाएगी, इसमें फर्स्ट कॉलम आ जाएगी 2k-k 2k। ऐसे जो सेकंड रो है वो आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड कॉलम बन जाएगी। तो हमारी ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद राइट हैंड साइड में क्या है, के बी का ट्रांसपोज। इसमें क्या है, बी का ट्रांसपोज पहले करेंगे उसके बाद के से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें क्या है, पहले हमने क्या किया, इसमें बी से मल्टीप्लाई किया है के को, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो सबसे पहले कर देंगे इसमें बी का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे, फर्स्ट रो है आपकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो है आपकी क्या आ जाएगी, सेकंड कॉलम आ जाएगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, के से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, के बी का ट्रांसपोज। अब इसको हम के से मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने भी एलिमेंट है सब के से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके अंदर। तो देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है और राइट हैंड साइड सोल्व की है, दोनों वैल्यू हमारे क्या आ गए, इसमें इक्वल आ गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीटी एकेडमी। तो हम आपके लिए लेके आए आज नया टॉपिक है माइनर्स एंड कोफैक्टर। आपकी जो 12th क्लास में एक चैप्टर है, 4th चैप्टर एलिमेंट्स बुक्स में, उसमें वहां पे हमारा टॉपिक है माइनर एंड कोफैक्टर। तो हम माइनर कोफैक्टर के बारे में आपको बताएंगे आज। तो देखिए, हमारे सबसे पहले है माइनर। माइनर क्या होता है इसमें, तो देखिए क्या है इसमें, कंसिडर द मैट्रिक्स। हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स इसमें कंसिडर कर लिया हमने, ये ए मैट्रिक्स, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट है। अब क्या होगा इसमें, देखिए हमने क्या निकाला है, माइनर। माइनर किसका निकालते हैं, डेटरमिनेंट का। तो इसका जो डेटरमिनेंट है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। देखो ए मैट्रिक्स है उसका मैं क्या निकाल दिया, यहाँ पे डेटरमिनेंट कर दिया। डेटरमिनेंट का जो साइन है वो क्या होगा, आपकी 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो एलिमेंट है हमारे, ये इनक्लोज हो जाएंगे हमारे ये 2 वर्टिकल लाइन के बीच में। इस ये हमारा क्या है, डेटरमिनेंट का सिंबल है, 2 लाइन वर्टिकल लाइन। अब आगे देखिए, इफ वी लूज द ith रोज एंड jth कॉलम पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स ए आई जे, मीन्स क्या है, इफ वी लूज द ith रो कि हम जो ith रो है उसको छोड़ देंगे, jth कॉलम और jth कॉलम है उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हमारे पास ये है A11, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट रो मतलब क्या है, ith रो, आई जो रो है उसको छोड़ देंगे और jth कॉलम और कॉलम को छोड़ देंगे। उसके बाद हमारे पास ये एलिमेंट बचेंगे। अब देखिए आगे क्या है इसमें, पासिंग थ्रू द एलिमेंट्स ए आई जे की क्या है, हम A11 इसका क्या निकालेंगे, माइनर। तो इसमें क्या है, ith रो और jth कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, ये एलिमेंट बचेंगे। देन द सेकेंड ऑर्डर डेटरमेंट्स देन ऑप्टेड इज कॉल्ड माइनर ऑफ एलिमेंट्स ए आई जे। हमने क्या किया था, जो A11 है हमने ये एलिमेंट लिया था, इसके ith और इसकी jth कॉलम हमने छोड़ दी थी। इसमें इसमें ith क्या है, 1, मीन्स फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकेंड 1 है इसमें ये कॉलम छोड़ देंगे। अब जो वैल्यू बचेगा हमारा क्या है, वो दो ऑर्डर का डेटरमिनेंट बचेगा। दो दो ऑर्डर का मीन्स वहां पे क्या है, दो तो रो है हमारी और दो ही क्या है, कॉलम है। उसका हम क्या निकाल देंगे, डेटरमिनेंट निकाल देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वो माइनर आ जाएगा। और माइनर को हम डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल एम से, डिनोटेड बाई एम आई जे, मीन्स जो कैपिटल एम है वो डिनोट करेगा माइनर को, और आई क्या हमारी रो है, जे हमारी क्या है, कॉलम। इन दिस वे वी गेट 9 माइनर्स। तो इससे हमें क्या होगी, जो 9 माइनर आएंगे और वो किसके आएंगे, वो क्रोस्पोंडिंग टू द 9 एलिमेंट्स ऑफ गिवन डेटरमेंट। जो हमारे डेटरमेंट में आपके पास गिवन है 9 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट है इसमें, 9, तो सब हमारा क्या आ जाएगा, 9 ही माइनर्स आएंगे। चल दोबारा बता देते हैं, इसमें देखिए इसमें क्या है, हम जो आयत रो है और जेयत कॉलम है उसको छोड़ देंगे। जैसे कि हमने क्या करना है, इस एलिमेंट का क्या निकालना है, माइनर निकालना है। तो
तो ये हमारे आयत होगी, हमारी क्या होगी, जीएत होगी, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे कि आयत और जीएत कॉलम को लीव कर देंगे, क्या करेंगे, लीव कर देंगे। तो हमारे पास क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये आयत होगी हमारी, जीएत होगी, ये रो और ये कॉलम, इसको छोड़ देंगे, हमारे पास क्या बचेगी, ये वैल्यू बचेगी इसमें, उसका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट एम टू वन, कि हमारे पास जो एलिमेंट है वो क्या है, ए टू वन, इसको हमने क्या निकाला, माइनर, और इसको हम डिनोट किससे करते हैं, माइनर को, कैपिटल एम से। तो हमारे पास एलिमेंट क्या बच गए इसमें, ए वन टू, ए वन थ्री, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री। अब इसका हम क्या निकाल देंगे, डिटरमिनेंट हमारा वो क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ए वन टू, ए थ्री थ्री, माइनस, बीच में साइन आता है माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ए वन थ्री, ए थ्री टू, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, माइनर। तो आप इसमें जितने भी एलिमेंट है सबका आप माइनर निकाल सकते हैं, नाइन एलिमेंट है तो हर एलिमेंट का आप अपना क्या होगा, कि माइनर आप निकाल सकते हो इसके अंदर। तो मेन पॉइंट हमारा क्या है इसके अंदर, कि हम जिस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे उस एलिमेंट की रो और उस एलिमेंट की कॉलम छोड़ देंगे, और बाकी जो एलिमेंट बचेगा उसका निकाल देंगे डिटरमिनेंट, वो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर आ जाएगा। जैसे हमने इसका निकालना है, इसमें क्या है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, तो थर्ड रो को छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, दो एलिमेंट ये बचेंगे इसमें और दो एलिमेंट ये बचेंगे, इनका क्या निकालेंगे, डिटरमिनेंट, इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ, बीच में साइन आएगा नेगेटिव का, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ और माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा इसमें, माइनर आ जाएगा, कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है, माइनर आपके समझ में आ गया, अच्छे तो माइनर जिसको आगे समझ में अपना कोफैक्टर इजी से वो कर सकता है। तो देखिए द माइनर एम आई जे, कि हमारा क्या है, किसी भी एलिमेंट का माइनर है ये, उस माइनर के हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाई किसके साथ, माइनस वन की पावर आई प्लस जे, इज कॉल्ड द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, की ए आई जे जो एलिमेंट है उसका क्या आ जाएगा, वो कोफैक्टर आ जाएगा, जिस एलिमेंट का आपको क्या निकालना है, कोफैक्टर, उस एलिमेंट का आप क्या निकालेंगे, पहले माइनर निकालेंगे और उस माइनर की मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस वन की पावर आई प्लस जे के साथ, तो आपके पास क्या आ जाएगा इसमें, कोफैक्टर आ जाएगा आपका वो। उसके बाद हम डिनोट करते हैं कोफैक्टर को किससे, कैपिटल ए से, आई जे, आई जे यहाँ पे क्या है, जिस एलिमेंट का आपने क्या निकाला, कोफैक्टर, उसकी रो और कॉलम है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर आ जाएगा, आप कोफैक्टर डिनोट कर रहे हैं आप कैपिटल ए से। अब हमारे पास जो आइडेंटिटी है वो ये बन के आती है इसमें, कि ए आई जे किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर माइनस वन की पावर आई प्लस जे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे एम आई जे माइनर के साथ, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उसका कोफैक्टर आ जाएगा। तो आपका एक एग्जाम्पल से करवाते हैं इसको, देखिए देखिए सबसे पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसके हमें क्या निकालने हैं, माइनर और कोफैक्टर दोनों वैल्यू हम निकाल के दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले देखिए माइनर कितने एलिमेंट है इसमें, नाइन एलिमेंट है, तो नाइन क्या आएंगे इसके, माइनर्स आ जाएंगे। तो देखिए पहले हम निकालते हैं फर्स्ट, इसकी जो पोजिशन है वो क्या है, वन वन, और माइनर को हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल एम से, वन वन मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे, इसका हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनर आ जाएगा। तो देखिए इसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब आयत और जेथ जो है हमारी, रो और कॉलम उसको छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट आएंगे उसके निकाल देंगे हम डिटरमिनेंट। अब देखिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या बचेंगे इसमें, ये वैल्यू बचेगी इसके अंदर, फाइव माइनस वन वन टू। अब इसका निकाल देंगे डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का साइन लगाएंगे इसमें, फाइव टू जा टेन, बीच में साइन आएगा माइनस का, माइनस का वन, और ये माइनस है प्लस हो जाएगा हमारा वन, टेन प्लस वन क्या आ गया, इलेवन। ऐसे ही आप निकालेंगे अब सेकंड जो एलिमेंट है एम वन टू, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम पर जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का माइनर। अब देखिए हमारे पास क्या है, वन टू, आईएथ और जेएथ, आई क्या है इसमें वन, जे क्या है इसमें टू, मतलब रो और कॉलम, वन फर्स्ट रो और टू क्या है कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास जो एलिमेंट है क्या बचेंगे, थ्री माइनस वन जीरो टू, थ्री माइनस वन जीरो टू, इसका निकाल देंगे अब हम क्या, डिटरमिनेंट, थ्री टू जा सिक्स, बीच में साइन आएगा माइनस का, जीरो के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो, और माइनस माइनस प्लस कितना आ गया हमारे पास, सिक्स। ऐसे ही एम वन थ्री, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अब फर्स्ट रो छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे, हमारे पास सिर्फ ये एलिमेंट बचेंगे इसमें, इनका निकाल देंगे डिटरमिनेंट, थ्री वन जा थ्री, बीच में साइन माइनस का,
फाइव की मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो कितना आ गया आपके पास, थ्री आ गया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये माइनर आ गए। ऐसे आप हर एक एलिमेंट की क्या निकाल सकते हो, इसमें माइनर निकाल सकते हो। और दूसरा है इसमें कोफैक्टर, इन तीनों का हम कोफैक्टर भी बता देते हैं आपसे। कोफैक्टर A11, तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या है, माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर M1 MIJ। तब देखिए हम इनका निकालेंगे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर के लिए हम जो आपको आइडेंटिटी बताई थी क्या थी, वो कि जो माइनर है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस वन की पावर आई प्लस जे के साथ, हमारे पास क्या आ जाएगा उस एलिमेंट का, वो क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर आ जाएगा। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A11, जो A11 है इसका निकालेंगे कोफैक्टर A11। जहां भी आई है वहां पे वन पुट कर देंगे, जहां पे जे है वहां पे वन पुट कर देंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस वन M11। अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है, सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस वन की पावर वन प्लस वन टू M11 आप निकाल चुके पहले, M11 आपका क्या है इलेवन, यहाँ पुट कर देंगे इलेवन, माइनस वन की पावर टू, ऊपर देखिए पावर आपकी क्या है, माइनस की पावर इवन हो तो क्या आएगा प्लस का वन आएगा, और पावर आपकी क्या हो यहाँ पे ओड हो तो हमारी वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में। तो यहाँ पे क्या है, हमारी पावर इवन है तो प्लस का वन आ जाएगा इलेवन। कितना आंसर आ गया आपका ये इलेवन। ऐसे ही आप सेकंड का निकाल सकते हो, ऐसे ही A12, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इस सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, इसमें कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे और सेकंड कॉलम, क्योंकि यहाँ पे क्या है वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये एलिमेंट बचेंगे आपके पास, इसका हमें क्या निकाल दिया ये माइनर, क्योंकि हमें जो आइडेंटिटी है उसमें माइनर की जरूरत पड़ती है, वो हमने आप माइनर निकाल दिया आपका सिक्स, अब पुट कर देंगे इसमें, देखिए माइनस वन की पावर वन प्लस टू, आई की वैल्यू वन जे की वैल्यू टू, वन प्लस टू इंटू माइनर M12, माइनस वन की पावर कितनी हो गई टू प्लस वन थ्री इंटू M12, M12 हमारा कितना है सिक्स, यहाँ पुट कर देंगे सिक्स, माइनस की पावर आपकी क्या है ओड है तो क्या वैल्यू आएगी आपकी, ये माइनस का वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई सिक्स, मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का सिक्स, ये आपका क्या आ गया इसमें A12। मीन्स A12 जो सेकेंड एलिमेंट है, A12 पर जो पोजिशन पर जो एलिमेंट है उसका क्या आ गया आपका, ये कोफैक्टर आ गया। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है आप सबका माइनर भी और कोफैक्टर भी निकाल सकते हो। कोफैक्टर के लिए हमें क्या चाहिए, इसमें माइनर चाहिए। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो अब देखिए हमारा ये है तीन ऑर्डर का, आपको समझ में आ गया कि हमने माइनर को फैक्टर कैसे निकालना है। अब एक दो ऑर्डर की मैट्रिक्स का माइनर को फैक्टर हो देखिए आप, देखिए इसमें हम दो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसका निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर दोनों वैल्यू। देखिए सबसे पहले माइनर, माइनस देखिए सबसे पहले निकालेंगे M11 जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका, वन वन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसमें क्या करेंगे फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा हमारे पास ये सेवन बचेगा। अब सेवन तो क्या है वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है वन बाई वन की, इसको तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, सेवन का जो डिटरमिनेंट है वो सेवन ही आएगा, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसका माइनर क्या आ गया हमारा सेवन। ऐसे ही M12 सेकेंड एलिमेंट के लिए, ये हमारा क्या है A12 के लिए, ये हमारा है अब A, सॉरी ये तो हमारा किसके लिए है A12 A11 के लिए है, और ये हम निकालेंगे A12 के लिए सेकेंड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा यहाँ पे थ्री, तो इसका माइनर क्या आ जाएगा आपके पास ये थ्री आ जाएगा। ऐसे ही M, ये पोजिशन हमारी क्या है टू वन, सेकंड रो को छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, क्या बचेगा माइनस का टू, ये आपके पास क्या आ जाएगा इसमें माइनर। उसके बाद लास्ट है टू टू, कि सेकेंड रो सेकेंड कॉलम पे जो एलिमेंट है उसका माइनर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या आ गया आपके पास फाइव, ये आपका क्या आएगा इसमें माइनर। ऐसे हम निकाल देंगे कोफैक्टर A11 A21 A12 A22। तो अब देखिए इसमें हमारी जो आइडेंटिटी है वो आपकी क्या है कोफैक्टर की, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर MIJ। तो देखिए यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है वन, जे की वैल्यू क्या है वन, पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस वन की पावर वन प्लस वन, क्या आ गया टू M11।
और माइनस वन की पावर आपके क्या है, ई वन है, तो प्लस का वन हो जाएगा आपके पास ये, इंटू माइनर एम वन वन, हमारा जो माइनर है वो क्या है इसमें सेवन। आप यहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं इसमें माइनर एम वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेवन, तो यहां पे पुट कर देंगे इसमें सेवन, सेवन के मल्टीप्लाई वन के साथ क्या आ गया सेवन, ये हमारा क्या आ गया इसमें ए वन वन, जो स्मॉल ए वन वन है उसका क्या आ गया, ये कोफैक्टर आ गया। अब ये है टू वन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब यहाँ पे देखिए माइनस वन की पावर क्या पुट करेंगे, आई की वैल्यू टू, आई की वैल्यू टू है, जे की वैल्यू वन है, प्लस वन एम टू वन। अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस वन की पावर टू प्लस वन थ्री, थ्री हमारा क्या है ओड है, तो इसका जो माइनस की पावर ओड है तो क्या आ जाएगा माइनस का वन, एम टू वन, एम टू वन हमारा कितना है माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया इसका कोफैक्टर प्लस का टू आ गया, ऐसे इसका भी आप निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है वन टू, अब पुट करेंगे इसमें माइनस वन की पावर वन प्लस टू इंटू एम वन टू, अब देखिए इसमें यहाँ पे क्या है माइनस वन की पावर वन प्लस टू, कितना हो गया आपके पास थ्री, और एम वन टू आपका कितना है माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थ्री, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कितना आ गया थ्री, देखो यहाँ पे थ्री है ना हमारा, तो थ्री पुट कर देंगे इसमें, ओड है तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव में, मल्टीप्लाई थ्री, थ्री की मल्टीप्लाई माइनस वन के साथ माइनस थ्री, तो लास्ट देखिए अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, इसमें क्या है हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम जो सेवन है उसका हमारा क्या आ जाएगा, ये कोफैक्टर आ जाएगा माइनस वन की पावर टू प्लस टू इंटू एम टू टू। अब इसमें देखिए माइनस वन की पावर टू प्लस टू, फोर आ गया आपके पास, फोर हमारा क्या होगा इवन, तो क्या आ जाएगा प्लस का वन, उसके बाद एम टू टू, एम टू टू आपके पास क्या है फाइव, तो इसका जो कोफैक्टर वो कितना आ गया आपके पास फाइव आ गया। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, आपने सिर्फ ध्यान रखना कि यहाँ पे जो पावर है वो पावर आपकी क्या आ जाए इवन आ जाए, तो क्या वैल्यू आएगी प्लस का वन आ जाएगा इसका, और ओड आ जाए पावर तो आपकी क्या हो जाएगी इसमें नेगेटिव आ जाएगा वन। वो देखिए कैसे, अब हम ये आइडेंटिटी ना लगा के डायरेक्ट हम इवन ओड से भी कर सकते हैं कोफैक्टर को, जैसे कि ए वन वन, अब इस सब को भूल जाइए, आप सीधा निकालेंगे ए वन वन, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया आपके पास सेवन, उसके बाद क्या है ए वन टू, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कितना आ गया आपके पास थ्री, ऐसे ही ए टू वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम कितना आ गया आपके पास माइनस का टू, ऐसे ही ए टू टू, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कितना आ गया आपके पास फाइव। तो देखिए इसमें अब आपने ध्यान क्या देना है, इसमें यहाँ पे जो वैल्यू है वो इवन है या फिर ओड है, इवन है तो प्लस का वन आ जाएगा, ओड है तो क्या आ जाएगा माइनस का वन। अब देखिए वन वन टू क्या है आपका, ये इवन है तो साइन सेम रहेगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव तो नेगेटिव रहेगा, वन टू थ्री, थ्री हमारा क्या है ओड, तो यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस का हो गया और माइनस है तो प्लस, अब यहाँ पे हमारा प्लस का थ्री था माइनस का थ्री हो गया, ऐसे ही टू वन, अब टू वन हमारा क्या है इसमें ओड है, ओड है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का टू है तो किसका हो जाएगा ये प्लस का टू, उसके बाद यहाँ पे क्या है टू टू फोर, फोर हमारा क्या है इसमें इवन, इवन है तो हमारा क्या हो जाएगा ये प्लस के रहेगा, सेम रहेगा इवन की वैल्यू में। अब देखिए हमारा आंसर वही है सेम, ए वन वन सेवन, ए वन टू थ्री, ए वन टू क्या है माइनस का थ्री देखिए, उसके बाद क्या है टू वन, ए टू वन हमारा क्या है प्लस का टू, देखिए टू है सेम, ए टू टू फाइव, ए टू टू हमारा कितना आ गया फाइव आ गया, तो ये हमारा क्या आ गया इसमें कोफैक्टर आ गया। तो आज हमने क्या किया इसमें माइनर किया है और कोफैक्टर किया है, इसके कुछ तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।